टेस्ट सिग्नल देखते हैं। देखिए टेस्ट सिग्नल हमारे पास तीन तरह के होते हैं, एक यूनिट स्टेप हो गया, यूनिट इम्पल्स हो गया और रैंप हो गया। तीनों को वन बाय वन देखते हैं। देखें स्टेप इनपुट यानी कि यूनिट स्टेप फंक्शन, स्टेप सिंगल स्टेप का क्या मतलब होता है, आपने t इज इक्वल टू जीरो के ऊपर एक स्टेप ले लिया और उसी जगह खड़े रहे, ठीक है। तो r ऑफ t इज इक्वल टू सॉरी r ऑफ t इज इक्वल टू r u ऑफ t, ये r एक कांस्टेंट है ना, तो u r u ऑफ t ये कब जीरो कब वन होगा, जब t ग्रेटर देन जीरो होगा, जब t ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो गया तो तब इसकी वैल्यू वन होगी, t लेस देन जीरो के लिए ये क्या होगा जीरो होगा, ठीक है। इससे पीछे पीछे यानी कि एक फिजिकल फंक्शन है, एक फिजिकल फंक्शन है या कॉजल फंक्शन है तो उसका हम लैपलास ले सकते हैं, u ऑफ t का लैपलास वन ओवर s होता है तो कॉन्स्टेंट साथ में मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल क्या बना r ओवर s, यानी कि जो भी कॉन्स्टेंट है वो साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर 5 u ऑफ t होता तो ये 5 डिवाइडेड बाय s होता। यूनिट स्टेप हो गया, उसके बाद रैंप। देखिए रैंप एक सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन को कहते हैं, t इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हुआ और इंक्रीज करता क्या, यानी कि r ऑफ t इज इक्वल टू t n, साथ में कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। जब r ऑफ t इज इक्वल टू t है, t ग्रेटर देन जीरो के लिए ये एग्जिस्ट करता है, t लेस देन जीरो के लिए ये एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। फिर कॉजल फंक्शन है, इसका लैपलास ले सकते हैं, तो t ऑफ n का लैपलास होता है n डिवाइडेड बाय s रेज टू पावर n प्लस 1। जब t है t की पावर 1 है तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय s रेज टू पावर 1 प्लस 1, तो s स्क्वायर आ जाए, ठीक है। जो कांस्टेंट साथ मल्टीप्लाई हो रहा वो एज इट इज आ गया, तो r इनटू t का लैपलास हुआ r डिवाइडेड बाय s स्क्वायर, ठीक है। इस तरह यूनिट इंपल्स फंक्शन भी एक स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल है। यूनिट इंपल्स फंक्शन वो होता है जो t इज इक्वल टू 0 के ऊपर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। t लेस देन 0 के लिए भी एग्जिस्ट नहीं करता, t ग्रेटर देन 0 के लिए भी एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा इसका अगर हम लैपलास ले लें तो इसका यूनिट स्टेप फंक्शन का लैपलास क्या होता है 1 होता है ना, ठीक। ये t इज इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट करता है, यहां पे थोड़ी मिस्टेक थी ना, अगर t s ऑफ t इज इक्वल टू 1 एट t इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये सिर्फ t इज इक्वल टू 0 के ऊपर एग्जिस्ट करता है, इसके अलावा कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। अगर इसका लैपलास ले लें यूनिट इंपल्स का तो वो s ऑफ t इज इक्वल टू 1, उसका लैपलास क्या होता है 1 होता है।